हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जाम। माय नेम इज सुतन गुप्ता और आपका एजुकेटर आपके लिए टेंस का दूसरा पार्ट लेकर के आया है। आई होप आपने कल का वीडियो देखा है और आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को और जानने को मिला होगा जो आपने ना तो कभी सीखा था और ना कभी उस नजरिए से सोचा था। एक चीज, अगर आपने मेरे अभी तक वीडियोज देखे हैं, जो 10-11 वीडियोज ग्रामर के मैंने अपलोड किए हैं, आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि मैं एक्चुअली एक सोच दे रहा हूँ आपको। आप कितने ब्रॉड वे पे सोच सकते हो, आप क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर सकते हो, कॉन्टेक्चुअली कैसे क्वेश्चन को समझ सकते हो, देन आपके लिए एरर फाइंड करना या सेंटेंस को इम्प्रूव करना काफी इजी हो जाता है। अगर ये सब चीजें बहुत पसंद आ रही हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, मेरे दूसरे वीडियोस को भी जाके देख सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए आगे आते हैं और आप बहुत सारी चीजों का हमारे साथ जुड़ के फायदा उठा सकते हो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, वी आर रनिंग अवर पेड कोर्सेस, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। फीस इज वेरी नॉमिनल एंड कंटेंट इज आर प्रॉमिस। ओके, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और यहाँ पे आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा एक सेपरेट चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, स्पेशली ओनली एसएससी एग्जाम, जो कि एसएससी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं जो मैं शेयर करता हूँ, पीडीएफ शेयर करता हूँ वीडियोस की, वोकैबुलरी की, तो इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो उसे भी कर सकते हैं। हमारा इंक्वायरी नंबर है अगर आप किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, और हमारा टेलीग्राम नंबर है। तो चलिए हम आगे आते हैं, सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद आज हम पास्ट में आएंगे, ठीक है, और डिफरेंसिएशन भी सीखेंगे। तो कल हमने सीखा टेंस क्या होते हैं, देन हमने वर्ब का रोल देखा था, ये पिक्चर आपको याद होगी, तो मैंने आपको बताया था इतनी वर्ब्स ही यूज होती हैं। देन हम आए थे टाइम ऑफ एन एक्शन में, फिर उसके बाद हमने स्टेट ऑफ एन एक्शन की बात करी, किस तरीके से एक स्टेट होता है, कैसे हैबिचुअल एक्शन शो करता है, कैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में बात होती है। इसी को बढ़ाते हुए मैं टाइम फ्रेम पे भी आया था, जहां हमने पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम की बात करी थी। आफ्टर दैट हम फंक्शन पे आए थे, जहां पे हमने सबसे पहले हैबिचुअल एक्शंस की बात करी, विच कम्स अंडर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। एंड बिलीव मी, जो आपने कल सीखा रूटीन क्या होता है, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटीज को समझा, ऑफकोर्स डू डज हम सबको पता है। देन हम एग्जाम्पल्स डिस्कस किए कुछ, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से हम गलतियां करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, लाइक आई नो हिम फॉर 2 ईयर्स, तो कैसे ये गलत हुआ, क्यों नहीं हुआ सही, ये सब हमने बातें करी। देन हमने उसका एक हिस्टोरिकल प्रेजेंट पे भी बात करी, हमने फ्यूचर के भी पर्सपेक्टिव पे भी बात करी। देन हम प्रोग्रेसिव पे आए, प्रोग्रेसिव का हमने इक्वेशन को देखा, इक्वेशन के बाद हमने देखा कैसे रिकॉग्नाइज करना है, हमने डिफरेंसिएशन भी देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। उसके बाद हम आगे आए थे और बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको स्टेटिव वर्ब समझाई थी, जब मैंने बात करी थी कि समटाइम्स डोंट एग्री विद प्रोग्रेसिव एक्शन, सो वो सारी चीजें डिस्कस करी। देन हमने ऑफ कोर्स कुछ सेंटेंसेस देखे, कैसे वो बिहेव करते हैं प्रोग्रेसिव स्टेट में और कैसे वो डिफर करते हैं आपका स्टेटिव वर्ब्स के साथ। देन हमने उसको रिकॉग्निशन के लिए भी हमने बात करी थी, व्हाइल, स्टिल, एट मोमेंट, ऐसे वर्ड्स आते हैं। देन हम आए थे प्रेजेंट परफेक्ट में, जहां पे मैंने बात करी कि समिक्सचर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट एंड हाउ दे वर्क, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। And after that, of course, we have discussed some examples. Then we have seen the differentiation, and we have seen how present perfect becomes simple past while we are using point of time. तो ये सारी चीजें थी, हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन पे हमने बात करी, मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। देन हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आज आ चुके हैं और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे, कल तक उतनी सारी चीजें थी। तो आई होप सब कुछ रिकॉल हो चुका होगा कल क्या क्या पढ़ा था, आज कॉन्टिन्यूअस पे बात करते हैं। तो देखो, हैज हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखना, ठीक है। और आपके लिए मैंने फॉर्मेट यहाँ लिख भी दिया है, तो उसको ध्यान देना कि सिंपल सा एक इक्वेशन कह लो, इसको फॉर्मेट कह लो, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव बीन होगा, हैज सिंगुलर के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, बीन होता है, इफ नॉट इज रिक्वायर्ड और सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म देन वी विल यूज सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस नॉट देन बीन, मतलब बीन के पहले हम इस जगह पे नॉट को यूज करेंगे, देन वर्ब आई एन जी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल सा इसका फॉर्मेट है जो आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब आगे आते हैं, अब देखते हैं ये कैसे यूज होता है। देखो मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, डेफिनेशन वगैरह को बाद में देखेंगे। ये एक ऐसा इवेंट होता है जो पास्ट से चल रहा होता है
और अभी भी है, समझे? पास्ट में चल रहा होता है और अभी भी है। ये बिल्कुल वैसा नहीं होता जब आप बोल रहे हो तभी वो काम हो रहा है। जैसे हमने प्रोग्रेसिव में क्या बात करी थी, हमने प्रोग्रेसिव में बात करी थी कि कोई सेंटेंस होगा जब मैं बोल रहा होता हूँ तभी वो चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये आपके बोलने से पहले भी चल रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देता हूँ, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल है आपके सामने, बबीबा हैज बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डेज। ठीक है, देखिए अगर मैं सिंपली इज लगा दूं इस जगह पे तो बबीता बबीबा है इज वेटिंग चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे ना एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है, मतलब पास्ट के एक मोमेंट से स्टार्ट किया था और मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक ये पूरी प्रोसेस चल रही है, ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, सो बबीवा हैज बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डेज, दिन भर से वेट कर रही है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि यू हैव योर डेट, अब 12 बजे आपको मिलना था, अब 12 बजे मिलने की बात आ गई और वो आई या आए आपका 4 बजे मिलना है। ठीक है, अब आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो लाइक बहुत ही शांति से गुस्से में, ऑफकोर्स, तो ये जो आपने 4 घंटे गुजारे ना, तो मतलब स्टार्ट कब किया आपने, 12 बजे किया था और ये अभी भी चल रहा था, मतलब अब जब ये 4 बजे आई ना तब तक ये चल रहा था। शार्प के लिए बात मत कर लेना कि हमने 359 और 459 वाला केस नहीं होगा, इतना शार्प नहीं होते, बात समझ आ गई ना। ये 12 से जो 4 बजे तक के जो केस चल रहा है ना उसको हम प्रोग्रेसिव स्टेट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। अभी बात समझे? चलो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, समझ जाओगे, जो भी बताया उसको याद रखना। सो इट इज यूज टू रिफर एन अनस्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, बिटवीन बिफोर नाउ एंड नाउ, मतलब अभी और उसके पहले, अभी भी बताया ना 12 से 4 वाली कहानी हमेशा दिमाग में बिठा के रखो। द स्पीकर इज थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड बट परहैप्स डिड नॉट फिनिश इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सपोज एक मोमेंट पे वो काम स्टार्ट तो हुआ था लेकिन जो पीरियड हुआ है उस पीरियड में वो काम खत्म नहीं हुआ है, बात को समझे? एक 12 बजे चीज स्टार्ट हुई थी अभी तक वो खत्म नहीं हुई, 4 बजे इट माइट गेट फिनिश्ड और मे नॉट बी, बात समझ आ गई? तो हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये इस तरीके से काम करता है। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से ही शी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस, वह मतलब लड़का या लड़की जिसके लिए भी बात हो रही है वह प्रोसेस में इंटरेस्टेड है एज वेल एज रिजल्ट में भी इंटरेस्टेड है, एंड दिस प्रोसेस में स्टिल बी गोइंग ऑन, और वह प्रोसेस अभी भी चल रही हो सकती है या हो सकता है वो बिल्कुल खत्म हो गई हो। ठीक है ना, देखो मैंने यहाँ पे जस्ट को यूज किया है तो मतलब ये हो सकता है अभी भी चल रही, जैसे मैंने अभी वेट करने वाला सीन बताया 12 बजे यहाँ है 4 यहाँ बजे, तो ये पूरी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, ये प्रोसेस अभी चल रही है, समझो ये अभी बिल्कुल ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे आप हैव बीन हैज बीन यूज करोगे। जस्ट इमेजिन ये 12 बजे का काम स्टार्ट हुआ, यहाँ अभी 4 बजे है और ये 4 बजे आके यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब शार्प सोचो कि 12 o'clock आपका यहाँ पे आया, ठीक है, और ये शार्प 4 o'clock पे फिनिश हो गया, तो भी इस चीज पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करोगे, याद रखना, कभी कंफ्यूज मत करना। दूसरा, इसके साथ हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को हम यूज करते हैं, किसको? पीरियड ऑफ टाइम को यूज करते हैं, मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम पहले समझा चुका हूं, पहली स्लाइड थी, भूलना नहीं, अगर भूल गए हो तो पिछला वीडियो जाकर के देख लो, वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, बाकी मैंने आपको फॉर्मेट बता ही दिया, बबीबा हैज बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे, सो देख लीजिए बबीबा इज अ नाउन, सब्जेक्ट has been, of course singular है तो मैं has use करूंगा, has के साथ been आ गया, then इसके साथ verb ing form लगती है लेकिन period of time भी लगता है। देखिए all day की बात हो रही है, एक particular time से कभी start होगा 12 बजे 2 बजे 5 बजे और अभी शाम तक चल रहा है या अभी 6 बजे खत्म हो गया, ऐसी कोई सिचुएशन होगी और उस बेसिस पे हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, चलिए और आते हैं, they have been working on this report, अब समझिएगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, 8 बजे से वो इस काम पे काम कर रहे हैं 8 बजे से। अगर सोचो मैं इस पॉइंट को हटा दूं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना मैं इसको हटा देता हूं, मैं सिंपली बोल सकता हूं दे आर वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट, बिल्कुल सही है, तो बोलने के समय वो काम चल रहा है, तो जो मैंने कल आपको प्रोग्रेशन वाला चीज बताई थी ना, प्रोग्रेसिव स्टेट वाली, तो मैं हैव को रिमूव कर सकता हूँ, बात समझ गए ना, मैं हैव को रिमूव कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिंपली बोल दूंगा दे आर वर्किंग, बीन को भी हटा दो, दे आर वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट, बट व्हेन यू आर यूजिंग सिंस 8 o'clock, तो ऑफ कोर्स ये एक पीरियड की बात कर रहा है, जब ये एक पीरियड की बात कर रहा है, एक ड्यूरेशन की बात कर रहा है, एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच की बात कर रहा है, तो मुझे फिर ये पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा रखना पड़ेगा, जैसा आपको अभी दिख रहा है, दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस 8 o'clock, अगर मैं देखी जगह यहाँ पे ही कर देता तो हैव नहीं होता, हैज हो जाता। ठीक है,
बात समझ आ गई, तो इन गलतियों को दोबारा मत करना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, बिकॉज हम गलतियां करते हैं, हम बोलते हैं ही इज वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा। एक्चुअली कई लोगों को कंफ्यूजन इसमें भी हो जाता है, हम बोलते हैं ही इज वर्किंग, एक्चुअली ही इज वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग, ही इज बीन वर्किंग, समझना, ही इज बीन वर्किंग। तो ये जो एस लगा ना यहाँ पे, मैंने अपोस्ट्रॉफ लगाया और ये मैंने यहाँ पे एस लिख दिया, तो ये एक्चुअली हैज दिखा रहा है, ये इज भी दिखा रहा है, बट जब आगे आपने बीन को यूज कर दिया देन ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला गया। आई होप बात समझ में आ चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे काम करता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, अब हम कुछ डाउट्स की बात कर लेते हैं कैसे ये काम करता है, और भी चीजें हैं जैसा कि मेरा मैं बोलता ही हूँ कि अगर सीखना है तो अच्छे से सीखना है, अदरवाइज नो नीड। एक एक पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, जितने लोग जुड़े हैं जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखने आ रहे हैं उनको पता है कैसे हम सीखते हैं। सो डाउट की बात करें, वी यूज दिस टू टॉक अबाउट थिंग्स वेयर देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ठीक है, तो पास्ट एंड प्रेजेंट में कनेक्शन होता है, ऑफकोर्स 12 बजे स्टार्ट हुआ वो पास्ट था, अभी के लिए वो पास्ट हो गया ना, जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो किसी मोमेंट पर स्टार्ट किया होगा, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, अभी खत्म हो जाएगा किसी में, तो पूरा पीरियड हो गया ना। अब समझो जैसे मैंने आपको परफेक्ट बताया था, तो ही has written 16 books, कुछ के दिमाग में हो सकता है ही इज आ जाए, सर ही इज सही है लेकिन फिर यहाँ पे ing form लेकर के चलो राइटिंग कर दो तो चलेगा, लेकिन जब तुमने 16 books लिख दिया तो ही इज राइटिंग 16 book, इज इट पॉसिबल एज फार एज ह्यूमन कैपेसिटी इज कंसर्न, इज इज पॉसिबल लाइक अ पर्सन कैन राइट 16 books इन वन गो? नो इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब 16 हाथ नहीं, इवन यू आर सपोज टू बी अराउंड यू कांट राइट 16 books एट अ टाइम। बात समझ में आ गई ना, तो पास्ट पे ही कोई का मूवमेंट, ये काम मूवमेंट कह लो, ये काम कह लो स्टार्ट हुआ होगा, है ना, 16 बुक्स एक बार में तो नहीं होगा, तो पास्ट में सपोज यहाँ से तुमने स्टार्ट किया, अभी पूरा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहाँ जाके तुमने अपना पूरा का पूरा काम खत्म किया, ये वाला पार्ट मैंने आपको कल भी समझाया था, अभी भी समझ लो। आई हैव बीन डेकोरेटिंग द हाउस दिस समर, तो अब सीधी सी बात है कि दिस समर कर दो, दिस मॉर्निंग कर दो, इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड्स ऑन योर कॉन्टेक्स्ट। आई हैव बीन, तो ऑफ कोर्स एक समर पे मान लो कि आज 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ और ये अभी तक चल रहा है, ठीक है, बस तुम्हारा हो गया 5 अप्रैल, या फिर मान लो 30th में हो गया, जुलाई हो गया, तो अब ये पूरी प्रोसेस चली ना, तो पास्ट में मेरा 30th मई को के समय पे 1 अप्रैल मेरे लिए पास्ट ही तो हो जाएगा ना, बात समझ गए? तो प्रेजेंट एंड पास्ट का ये क्या बताता है सर जी, ये कनेक्शन बताता है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा, गलती नहीं करना है, पीरियड को याद रखिएगा, जो एक टाइम ड्यूरेशन होती है इसे याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, द फोकस इज ऑन द एक्शन डेकोरेटिंग, ठीक है ना, तो यहाँ पे फोकस क्या है, डेकोरेटिंग पे है, द एक्शन इज अनफिनिश, अभी भी खत्म नहीं हुआ, इवन अभी हो सकता है एकदम खत्म हो जाए, कि मान लो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 30th में कोई खत्म हो गया, तो लेकिन 30th मई को भी अगर बात कर रहा हूँ, तो 1 जुलाई को भी मैं बात कर रहा हूँ या जून को बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है उस एक दिन पहले मतलब 30 को खत्म हो गया तो भी मैं इसी तरीके से बात करूंगा। ठीक है, चलिए, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस व्हेन द फोकस इज ऑन द एक्टिविटी दैट इज अनफिनिश्ड, बात समझे? तो ये डाउट वाला सिचुएशन मैंने आपको बता दी, मतलब वापस से और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, आगे आते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, चलिए आगे आते हैं। एक्शन दैट हैव जस्ट फिनिश्ड, मतलब जो बिल्कुल अभी खत्म हुआ, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट, और हम रिजल्ट में इंटरेस्टेड है, कहने का तरीका है, मैंने दोनों तरीके से बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया अनफिनिश्ड है तो कैसे हुआ, अब यहाँ पे फिनिश की बात कर लेते हैं। शी हैज बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट, तो वह कल रात से खाना बना रही है, ठीक है, मतलब अभी खाना बन चुका है, खाना बन के रेडी है तुम्हारी डिनर टेबल पे, लेकिन कल रात से खाना बन रहा था। इट्स बीन रेनिंग, तो भाई बारिश हो रही है तो नहीं आ पाया, समझे, बारिश हो रही है नहीं आ पाया, आप हेड लगाना है तो फिर जाएगा आपका, दो पास जाएंगे, वो कैसे जाएंगे हम उसको आगे पास में डिस्कस करेंगे। नाउ समवन इज बीन ईटिंग माई चिप्स, ठीक है ना, तो कोई मेरे चिप्स खा रहा है, तो यहां तक बात समझ में आ गई भाई, कोई प्रॉब्लम समस्या संघर्ष किसी तरह की दिक्कत किस तरीके से हो रहा है, देखो मैंने अपोस्ट्रॉफ लगा दिया है, अगर आप बीन लगाए तो उसे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि हैज है ये इज नहीं है। अगर अभी तक बात समझ आ गई तो भाई ठोको लाइक और मेरे साथ आगे आ जाओ, और ये इतना इंपॉर्टेंट है तो देखो सिर्फ थर्ड स्लाइड है, मतलब अगर आज की वीडियो के हिसाब से देखो तो 3 स्लाइड हुई है, एंड इट्स बीन मोर देन 15 मिनट, तो अभी तक इतना चल रहा है, डिटेल समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होती है सारी चीजें, ये सब चीजें ध्यान नहीं दोगे ना मार्क्स आएंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट परफेक्ट, ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंसेस, और ये
फॉर्म करने में सबसे ज्यादा मदद भी करते हैं, इवन सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक इक्वेशन दे ही दी थी, यहाँ पे भी देख लो, हैज है और बीन होगा एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पता है आईएनजी फॉर्म, ऑफ कोर्स वर्ब प्लस आईएनजी लगा दो। पार्टिसिपल का वीडियो बस हम पढ़ा चुका हूँ, जाकर के पार्टिसिपल जाके पढ़ लीजिए, या आप इसको सिंपल सा बोल दो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस बेस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इफ इट इज। अफर्मेटिव केस कैसे बनता है, सो अफर्मेटिव में ऑफ कोर्स रेशमी हैज बीन रनिंग और शी हैज बीन रनिंग, आप अपने हिसाब से कह सकते हो। देखो हैज बीन को मैंने ऐसे लिखा और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मुझे रेशमी वापस से लिखना ऐसा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मुझे वापस से सेंटेंस का सब्जेक्ट रिपीट करना है तो मैं उसके लिए प्रोनाउन का यूज करता हूँ, ऑलरेडी समझाया हुआ है। अनिला हैजंट बीन रनिंग, ओके निगेटिव हो गया, हैजंट हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे अनिला के जगह पे, अनिला के साथ मतलब यहाँ पे अगर मैं एस लगा दूं ऐसा, तो क्या नॉट ऐसा लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। नाउ इंटरोगेटिव हैज ही बीन रनिंग, चलिए मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, बहुत ज्यादा लोग गलतियां करते हैं, लिख लो क्या करते हैं हैज बीन शी रनिंग कर देंगे, गलत हो जाएगा। कुछ लोग शी हैज बीन रनिंग देन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, सही है, मतलब अगर तुम चाहो तो सही कर लो, बट ऐसे लिखा नहीं जाता, कभी भी गलत होता है, ग्रामेटिकली गलत होता है, आपको कभी भी स्टैंडर्ड बुक में इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, फिर आपकी पिच हो जाती है, शी हैज बीन कमिंग, तो पिच समझो, एक है शी हैज बीन कमिंग, शी हैज बीन कमिंग, मेरी पिच पे ध्यान दो। जब मेरी दूसरी पिच है ना, ये मतलब एक इंडिकेट कर रही है कि लाइक इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, ओके आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग एंड आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ये इंटरोगेटिव का पार्ट हो गया आपका, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो हैजंट सुकन्या बीन रनिंग ऐसा चल जाता है, ठीक है, और यहाँ से भी चल सकता है हैज सुकन्या बीन नॉट, एक्चुअली बोलने में सही से आता नहीं तो इसको नहीं लिखते ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए कुछ और चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्ब्स विदाउट कंटिन्यूअस फॉर्म, स्टेटिव वर्ब्स मैंने आपको पढ़ाई थी अगर याद हो तो, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है लास्ट में आके स्टेटिव वर्ब्स पढ़ा दी थी, तो यहाँ पे वर्ब सच एज नो हेट हियर अंडरस्टैंड वांट ऐसे बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती, प्रोग्रेसिव में नहीं आती है, सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चलती है, तो इनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं, तो आई होप समझ में आ चुका है। तो सर जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज फिनिश्ड नाउ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट। आगे आते हैं, अब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। सो सर पास्ट टेंस में देख लो, सबसे पहले हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से पढ़ा है, बिलीव मी यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम इन स्टडिंग पास्ट इंडेफिनिट, बात को समझ गए ना, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, कैसी एडवर्ब्स यूज होने वाली हैं, वो सब की सब हमने पहले पढ़ी हुई है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें वर्ब कौन सी यूज होती है, तो सर जी देखिए डिड का यूज करते हैं, अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो हम डिड का ही यूज करेंगे, ठीक है, ओके, तो सब्जेक्ट डिड इफ नॉट इज रिक्वायर्ड देन नॉट एंड प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये एक फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, बट अभी नॉट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो सर सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट होता है, तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी आपको दिख जाएगा कि सब्जेक्ट के साथ डिड भी लगा देगा बट नॉट की यूज नहीं करेगा, तो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज कर लिए जाते हैं, उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग में रखना, गलत नहीं कहा जाता है। चलिए हम आगे आते हैं, अब रूल नंबर वन, अब सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, जो लोग पहली बार है उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, वो पिछला वीडियो जरूर देखें, बिकॉज यहां से देखने का और बी से देखने का बहुत खास फायदा होता नहीं है। सो देखिए दिस टेंस इज यूज्ड फॉर अ पास्ट हैबिट इंडिकेटेड जनरली बाय ऑफन सेल्डम यूजुअली नॉर्मली जनरली समटाइम नेवर ऑलवेज फ्रीक्वेंटली रेयरली डेली यूज्ड टू वुड, अच्छा जी ऑफन मीन्स अक्सर होता है, सेल्डम मीन्स अक्सर होता है, यूजुअली मीन्स भी अक्सर होता है, नॉर्मली मतलब रोजमर्रा जिसे कह देते हैं, जनरली कभी कभार, ओकेजनली कभी कभार, या ओकेजनली मतलब त्योहारों वाला नहीं होता, कभी कभार होता, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंसी पे बात करता है, देन उसके बाद रेयरली बमुश्किल ही, डेली रोजाना, यूज टू एक हैबिट के लिए यूज होता है, हम इसको यूज करना जरूर सीखेंगे, मैं इसको आपको बताऊंगा कैसे यूज होता है, देन हम बात करेंगे वुड की, वुड कैसे यूज होता है, वुड एक्चुअली पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है,
तो ये सब मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपकी हैबिट्स की बात करी जाती है जो आप पास्ट में कर रहे होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, इफ यू रिमेम्बर, देन मैंने आपके रूटीन की बात करी थी और मैंने ये बोला था कि भाई रूटीन क्या होता है। कुछ ने बोल दिया था कि जो हम रेगुलर करते हैं वो रूटीन होता है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ मैंने बोला था क्या? आप लोग बताओ, ऐसा कुछ भी बोला था? नहीं बोला था ना मैंने। मैं सिंपली बताना चाहता हूँ सर, रूटीन ऐसी चीज होती है जो हम कंसिस्टेंट करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं। और कंसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है? वो अल्टरनेट डेज पे भी हो सकता है, वो रोज भी हो सकता है, वो 6 महीने में एक बार भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि आप जिम जाते हो, तो मैंने एग्जाम्पल जिम का दिया था, तो आप अल्टरनेट डेज पे जा रहे हो, आप मंडे जा रहे हो, मंडे के बाद आप वेडनेसडे को जा रहे हो, वेडनेसडे के बाद आप फ्राइडे को जा रहे हो, ठीक है? तो आप हफ्ते में 3 दिन जाते हो, तो ये भी तो सर आपका रूटीन हुआ। डॉक्टर बोलता है कि इन एवरी 6 मंथ वी शुड गो टू द डॉक्टर फॉर चेकअप्स। ओके, आप सोचो तुम रोज डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो इवन डॉक्टर बोर हो जाएगा आपके बार बार आने से, बात समझ जाएगा। तो ये भी एक रूटीन चेकअप में ही तो आ गया, वो भी रूटीन ही तो हुआ ना। तो इन सब चीजों को दिमाग में हमेशा रखिएगा, तो कभी आप गलत नहीं करेंगे। अब प्रेजेंट मैंने ये चीज समझाई थी, मैं पास्ट में रिकॉल करा दी, सोचा यहाँ पे भी हैबिट्स की ही बात कर रहे हैं। हैबिट्स ऑफ कोर्स हम इन वर्ड्स के थ्रू, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, इनको याद रखना। ऑफेंस, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली। एडवर्ब क्यों है? बिकॉज ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है? चलिए जी, यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो हम आगे आते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, सो दे नेवर ड्रैंक वाइन। ओके, आप ये भी कर सकते हो, दे नेवर ड्रिंक वाइन। अभी ड्रैंक क्यों लगा है? बिकॉज ऑफ कोर्स नेवर इज एन एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ कोर्स मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ, जब मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ तो मैं सेकेंड फॉर्म लेकर के चलूंगा ड्रैंक। ओके, चलिए, तो बात समझ आएगा। वह कभी वाइन नहीं पीता था। आगे, ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। वह हमेशा अम्ब्रेला कैरी करता था। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनिएगा। दे नेवर ड्रिंक वाइन, यहाँ ड्रिंक की जगह ड्रिंक कर दो। ही ऑलवेज कैरीज, कैरीड की प्लेस पे कैरी कर दो एन अम्ब्रेला। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में चला जाएगा। कोई बड़ा फर्क आया? नहीं आया। मैंने बोला था, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट आपको समझ में आ गया है, सो यू वॉन्ट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, आई यूज टू गो टू डेली बाई ट्रेन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट। आई यूज टू गो टू, एक्चुअली ये जो यूज टू यूज होता है ना, ये यूज होता है आपका पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। अब हिंदी में आप बात करूं तो ये होता है, मैं इस काम को किया करता था, हम इस काम को किया करते थे। वी यूज टू प्ले इन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में खेला करते थे। वी यूज टू राइड बाइसिकल, हम बाइसिकल चलाया करते थे। करते थे, ये वाला फॉर्मेट जब आ जाए तब हम यूज टू की बात करते हैं। अच्छा जी, अब और कुछ बातें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी, ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ, आई यूज टू गो टू डेली बाई ट्रेन, तो मैं ट्रेन से डेली जाया करता था, अब मैं प्लेन से जाता हूँ, मेरे पास पैसा आ गया है, ठीक है? तो सर जी देखिए, अभी एग्जामिनर आपको यहाँ पे कंफ्यूज कैसे करेगा? यहाँ पे तो चलो बात क्लियर हो गई, मैंने आपको समझा दिया इनडेफिनेट कैसे बन जाता है, प्रेजेंट कैसे बन जाता है। यहाँ पे एग्जामिनर कर देगा, आई यूजेस टू गो टू डेली, तो यहाँ पे बात आ जाएगी। हमें जो एक नजरिया लगेगा वो ये लगेगा, जब डी की जगह एस लगा देगा, यूजेस कर देगा, तो हमें लगेगा कि मैं ट्रेन से डेली जाता हूं, तो ये हैबिट आ जाएगा। अब हमारे दिमाग में रहता है यार, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी हैबिट बताता है, लेकिन सर यूज्ड टू सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए यूज होता है, ये प्रेजेंट के लिए यूज नहीं होता। आप प्रेजेंट के लिए सिंपली बोल सकते हैं आई गो टू डेली बाई ट्रेन, ये सेंटेंस अपने आप में बता देगा कि आपकी हैबिट में आता है, ठीक है? अदरवाइज यू कैन से आई ऑलवेज गो टू ट्रेन, आई सॉरी आई ऑलवेज गो टू डेली बाई ट्रेन। तो आप यूज टू की जगह ऑलवेज को यूज कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? इस ऑलवेज को यूज कर लीजिए, आई यूज टू गो टू डेली बाई ट्रेन, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा देगा। आप समझिए, एक चीज और आ जाएगी। कुछ लोगों को लग सकता है सर गो टू गो को वेंट करो क्योंकि यहाँ पे आपने कैरीड किया था। सर जी देखिए, यूज क्या है? यूज यूज की सेकेंड फॉर्म है। जब यहां पे ऑलरेडी मैं सेकेंड फॉर्म यूज कर चुका हूं, तो मैं गो को वेंट क्यों करूं, नहीं करूंगा, याद रखना। ये गलतियां होती हैं, लाइक इट्स अ ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती होती है एंड स्टूडेंट्स जनरली कमिट। तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, नंबर जाते हैं, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में रखिएगा। अब वुड बड़ा कंफ्यूजिंग होता है भाई, मतलब हद कंफ्यूजिंग, इससे कंफ्यूजिंग पार्ट, मतलब बहुत मुश्किल मिलता है ग्रामर में। शी वुड गो देयर डेली, अब इस कई जगह पे यूज हो जाता है, बताता हूँ कैसे। एक तो यूज हो जाता है शी वुड गो देयर डेली, तो मतलब वह वहां रोज जाती थी, ठीक है? डेली की बात आ गई, वह वहां रोज जाती थी, तो ये वुड पास्ट हैबिट को आपके दिखाने लगा। मैंने अभी बात करी ना, डिस्टेंस इज यूज फॉर पास्ट हैबिट। ओके,
वुड यू लाइक टू कम ऑन स्टेज? इट इज शोइंग फॉर्मल रिक्वेस्ट. जब मैं बोल रहा हूँ वुड यू लाइक टू कम ऑन स्टेज, तो यहाँ पे बात क्या आ गई, वुड लाइक. देखिए जब एक थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की बात आ गई, फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ओके नाउ इमेजिन, आप पैसा वैसा है तो तुम पब गए हो दोस्तों के साथ, कह रहे हो हे गर्ल वुड यू लाइक टू डांस विद मी, आप ऐसा डांस करना पसंद करेंगी. अब देखिए वहां पे भी एक रिक्वेस्ट आ गई, प्रपोजल चला गया वहां पे, तो वुड को वहां पे ऐसे भी यूज कर लिया जाता है. एक होता है आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अमिताभ बच्चन ऑन स्टेज, अगेन एक रिक्वेस्ट चली गई अमिताभ बच्चन को स्टेज बुलाने के लिए. अगर आप एपिसोड्स देखते हो, अवार्ड फंक्शंस वगैरह आते हैं, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस अक्सर सुनाई देते होंगे वहां पे, सुनाई देते हैं कि नहीं देते हैं ना, तो ये याद रखिएगा, फिर नहीं तो फिर पता ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आप भूलोगे और फिर आपके मार्क्स भी जाएंगे. सो आई होप क्लियर है, कट है, कैसे समझना है, कैसे यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट को. अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है तो भाई कमेंट तो करते जाओ, शेयर किया करो दोस्तों के साथ. वीडियोस बनाने बहुत मेहनत लगती है, आपको भी पता है. अब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना सपोर्ट तो एक्सपेक्ट करता ही हूँ आप लोगों से. चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कुछ चीजें जरूर डिस्कस करेंगे, तो कैसे हम इनको और ज्यादा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. अगर आपको याद हो मैं प्रेजेंट परफेक्ट समझाया था, मैंने वहां पे कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी थी, ठीक है, समझिएगा. दिस टेंस इज ऑल्सो यूज फॉर अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट. ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एक्ट को दिखाता है, सिर्फ एक एक्ट को दिखाता है. और डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय सिंस, एवर, सिंस, अर्लियर, अगो, बैक, बिफोर, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे. देखिए कभी भी आपको एक सेंटेंस में अर्लियर, अगो, बैक, बिफोर, लास्ट, यस्टरडे दिख जाए तो समझना, या थोड़ी सी समझने की कोशिश करना कि वो पास्ट इंडेफिनिट ही है. पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ रही है, इसको परफेक्ट में मत रखना. याद हो तो जब मैं बता रहा था ना कल प्रेजेंट परफेक्ट में, तो मैंने आपको हैव के साथ पॉइंट ऑफ टाइम यस्टरडे वगैरह यूज कर दिया था, ठीक है, तो वो याद रखिएगा, वैसा नहीं करते हैं. अब समझते हैं क्यों नहीं करते हैं. एग्जाम्पल्स है आपके सामने, इनको ध्यान से पढ़ना. मैंने इनके साथ पॉइंट ऑफ टाइम को यूज कर दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे यस्टरडे, ठीक है. सो आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये मैं आपके भाई से कल मिला था. अगर मैं इसको बोल दूं जैसे थर्ड सेंटेंस आप देखिए, क्योंकि मिलता जुलता है, आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे, सर ये क्या सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा. यहाँ पे आप हैव को ड्रॉप करिए. क्यों करिए मैं आपको समझा देता हूँ, दो और चार को भी समझाने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी बात. यहाँ पे भी बात जब आ जाती है तो क्या आ जाती है, यहाँ पे बात पूरी की पूरी आ जाएगी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो सीधी सी बात क्या है कि मुझे कंफ्यूज नहीं करना है और मुझे हैज हैव को रिमूव कर देना, बिकॉज पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आ जाए, जब भी आ जाए, आप उसके साथ हैज हैव नहीं यूज कर सकते, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लेकर के चलनी पड़ेगी, ठीक है. चलिए कुछ बातें और, अक्सर लोग गलती करते हैं. गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम ऐसे बोलते नहीं है. हम ऐसा बोल सकते हैं आई मेट योर ब्रदर, तो यार देखो कॉन्टेक्स्ट समझो, स्पोकन इंग्लिश की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है. आई मेट योर ब्रदर, ओके, अब यस्टरडे बोलना क्या जरूरी है? मैं तुम्हारे भाई से मिला था, ओके, क्या ये बोलना जरूरी है मैं आपके भाई से कल मिला था? आप हो, आपका दोस्त हो, सपोज मैं हूं, मेरा नाम स्वतन गुप्ता, मेरा दोस्त का नाम संस्कार गुप्ता, हम दोनों मिले, संस्कार मुझसे पूछ रहा भैया आए, ओके, मैं तुम्हारे भाई से मिला था. मैं नहीं बोल रहा कि यस्टरडे मिला था, कल मिला था, बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हारा भाई कल ही आया था, तो तुम्हें भी ये बात पता है कि तुम्हारा भाई कल ही आया था, तो कल ही मिले होंगे. सिचुएशन को समझो, तो क्या ये जरूरी है कि मैं बोल लूं आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे? मैं बोल सकता हूँ या यस यस आई मेट योर ब्रदर, ठीक है, यस्टरडे बोलना जरूरी नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू रिटन इंग्लिश यू हैव टू मेंशन दीज वर्ड, सिंस, एवर, सिंस, अर्लियर, अगो, बैक, बिफोर, लास्ट, यस्टरडे. व्हाई? बिकॉज जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे समझ में आ जाता है कि हम किस नजरिए से, किस पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं. नहीं समझ आई? समझो, आप दो दोस्त हो, आप हो, आपका एक दोस्त है, या फिर आप हो, आपकी एक सहेली है, ठीक है, जो भी लड़के लड़कियां देखे हैं सब, दोनों समझे, लड़के मतलब इमेजिन कर लेना कोई भी. अब एक सिचुएशन है कि भाई कहाँ है, फोन कर रहा है आपका दोस्त, भाई कहाँ है? तो मैं बोला, आपका दोस्त बोला भाई घर पे हो, चाहे काम कर, चल चलते हैं कहाँ पे. तो उसने कहा कि कहाँ चलेगा, तो कहता है यार बस जा रहा हूँ. अब देखो वहां पे हम लोग चले गए, कहाँ जा रहे हैं, वहां चलते हैं, ऐसा बोल दिया, वहां चलते हैं. ओके, अब वहां कहाँ चलते हैं, तो आपके दोस्त को पता होगा कि शाम को हम लोग कहीं बैठते हैं. चलो एक सिचुएशन और समझ लेते हैं.
दो दोस्त आपस में कहीं घूम रहे थे, अब तीसरे दोस्त से मिले, बात कर रहे हैं, भाई यार कल ना मैंने इसको इसको घर से पिक किया, फिर उसके बाद हम वहां गए अपना, वो चाय पी, वहां से लेने के बाद उस वाले ब्रिज में चले गए और फिर वो पूरा चक्कर लगाया और वहां वाली रोड से होते हुए वहां आ गए, फिर वहां से यहाँ आए। ये वहां यहाँ जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, जोक सपाट। लेकिन समझिए, क्या दो दोस्त आपस में ऐसे बात नहीं करते? करते हैं। आपने भी ऐसे बात करी ही होगी, है ना? और ये अंडरस्टैंडिंग आपस की होती है कि आप कहाँ गए होगे, शाम के मिलते हो तो कहाँ जाते हो, कौन सा ब्रिज होता है जहां आप अक्सर जाते हो, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो बिना बोले भी पता चल जाती है। लेकिन जब रिटर्न पे आवाज आ जाती है तो आपको मेंशन करना पड़ता है, बिकॉज पढ़ के थोड़ा आपके इमोशंस को समझ जाऊंगा, बात करके तो इमोशंस को समझ ही सकता हूँ, टोन से इमोशंस को समझ सकता हूँ, लेकिन वर्ड्स तो मुझे चाहिए ना अगर मुझे इमोशंस समझने हैं। अब मुझे लगता है बात पूरी तरीके से समझ आ गई कि क्यों हैज और हैव नहीं लगता, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। कंफ्यूजन, अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपको अब कंफ्यूजन होगा। क्लियर हो गई वो बात, तो चलिए आगे आ जाते हैं। अब आया पॉइंट ऑफ टाइम को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना? पॉइंट ऑफ टाइम ये दिखाता है कि एक्शन कब होता है, ठीक है? क्या एक्शन कब होता है? तो देखिएगा, आई कम हियर एवरी संडे, तो सर ये भी पॉइंट ऑफ टाइम ही तो है, मैं यहां हर संडे आता हूं, ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात कर रहा हूं, केम तो नहीं लगाया, एवरी संडे ऑफकोर्स, तो आपकी एक हैबिट की बात आ गई। चलिए जी, आई वेंट टू डेली यस्टरडे, मैं डेली कल गया था, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, ठीक है? चलिए जी, आई शैल गो देयर टुमारो, ठीक है, तो कल जाऊंगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ये पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं दिखा रहा ना, अभी से लेकर कल तक जाऊंगा, एक ही बार तो जाओगे यार, कितनी बार जाओगे? आई होप अभी क्लियर है, क्लियर हो गया, तो चलिए आगे आते हैं कुछ और चीजों को समझते हैं। अब आपके सामने आया द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव एक्शन पे बात कर रहा हूं। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स वर्ब नॉट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज रिमेम्बर दिस इक्वेशन, स्नैपशॉट ले लो, लिख लो, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। अब हम आगे आते हैं, बस सिंपल सी बात याद रखिएगा, वर्ब्स का यूज हम करते हैं सिंगुलर के साथ, वर्ब का यूज करते हैं प्लूरल के साथ, प्लूरल क्या सब्जेक्ट होगा, ठीक है? नॉट अकॉर्डिंगली यूज होता है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट निगेटिविटी पे है तो हम नॉट को यूज करेंगे, नेवर को भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है विच माइट बी सिंगुलर एंड प्लूरल। चलिए, सो दिस टेंस इज चीपली यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस, तो इस टेंस का यूज किसके लिए होता है? पास्ट एक्शन के लिए होता है जो कि प्रोग्रेस में, ठीक है? क्या है? प्रोग्रेस में। इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच देयर, ठीक है? इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच देयर, तो वहां अभी भी बारिश हो रही थी जब मैं वहां पहुंचा, क्या हुआ? जब मैं वहां पहुंचा। क्लियर हो गई बात? चलिए, ही वॉज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग, अच्छा जी, ही वॉज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं ये कंफ्यूजिंग नहीं है, कॉन्टेक्स्ट समझो सेंटेंस का क्या है। आप गए अपनी आंटी के यहाँ, समझो ये ही लगा आपके लिए, आप गए अपनी आंटी के यहाँ, आपकी आंटी का बेटा आया है, आप उसे मिलने गए, लेकिन जब आप घर पहुंचे तो आपने देखा कि आपकी आंटी का बेटा पैकिंग कर रहा है क्योंकि उसे दिल्ली निकलना है, तो सर जी बिजी कौन है? आप गए, ऑफ कोर्स ये ही मैंने जब बात करी तो आपके पर्सपेक्टिव पे एक बार बात कर ली, दूसरा यही आपके आंटी के बेटे के लिए लगा दिया, आपके भाई के लिए लगा दिया, कजिन के लिए लगा दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे बताइए? सिंपल सी बात है, वह बिजी था, किसमें बिजी था? पैकिंग में, तो वह पैकिंग कर रहा था ना, प्रोग्रेसिव स्टेट ही तो हुई ना भाई, पैकिंग करना वहां पे, कर रहा था, पैकिंग कर रहा था, अपने कपड़े रख रहा था, बात समझ में आ गई? पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस, जब मैं वहां पहुंचा तो बारिश हो रही थी, जब मैं वहां पहुंचा तो तुम पहुंच गई, ये प्रोग्रेशन नहीं था, लेकिन बारिश हो रही थी ये प्रोग्रेशन था, ठीक है? अच्छा जी, तो इसको याद रखिएगा, गलतियां नहीं करनी है। और दूसरी चीज, कभी भी आपको ये वैन वगैरह ऐसा यूज मिल जाए ना, वैन एंड वगैरह, तो कंडीशनल सेंटेंस वगैरह में ये चीजें आती हैं, तो इसके लिए एक आपका कॉन्टिन्यूस में चला जाता है और एक आपका इंडेफिनिट में चला जाता है। ऑफ कोर्स हम कंडीशनल टेंसेस को कल डिस्कस करेंगे ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने बोला 3 घंटे का कोर्स है और 3 घंटे इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब जो आज आप सीखोगे और कल जो आपने सीखा था ये कल अप्लाई होगा, तो कल कंडीशनल सेंटेंसेस हम सीखने वाले हैं।
चलिए अब आते हैं इसके बी पार्ट में कंटिन्यूअस के ही। इट इज ऑल्सो यूज फॉर अ डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। अब ये क्या बोला है इसको भी समझ लेते हैं, बिकॉज बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन लिख दी मैंने। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट, मतलब पास्ट का भी फ्यूचर है भाई, ये कौन सी बला होती है इसको समझते हैं। तो समझिएगा, ही वॉज लीविंग दैट नाइट, अगेन आप गए अपनी आंटी के यहाँ, अपने अंकल से मिलने, अपने भाई से मिलने, वह जा रहा था, ठीक है, वह जा रहा था। समझो, तुम आंटी के यहाँ गए, तो यू रीच टू योर आंटी प्लेस, आप आंटी के प्लेस पे पहुंचे, आपकी आंटी का लड़का जा रहा था, हु वॉज गोइंग, एक्शन किसने परफॉर्म किया, ही वॉज गोइंग, सो ही वॉज लिविंग दैट नाइट, उस रात वह जा रहा था। चलो दो कन्वर्सेशन और मिला लो। अच्छा उस दिन तुम्हारा भाई क्या कर रहा था, he was leaving, he was going to Delhi, वह दिल्ली जा रहा था। बात करते हो ना, कैसा बोलते, he went to Delhi उस दिन, वह दिल्ली गया था, no, ऐसा कोई नहीं बोलता ना, वह दिल्ली जा रहा था, क्यों, सिचुएशन कह रही थी कि अभी वो पहुंचा नहीं है, चल रहा है, मतलब अभी घर से निकला है या अभी स्टेशन पहुंचा है, अब ट्रेन आएगी, बैठेगा, जाएगा, whatever the situation is, point is clear, so ये definite arrangement for future कहलाता है। आगे, I asked her what she was doing next Sunday. अब ये वाला सिचुएशन क्या है, देखिए अगेन इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, what she was doing, भाई क्या कर रही थी उस संडे। अब ये कहोगे ये कैसी बात है सर, पास्ट में चल रहा है, मैं ऐसे कैसे बात करूंगा। समझो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। आज है 5 अप्रैल, ठीक है, आज से 10 दिन पहले था 25 मार्च और 26 मार्च, व्हाटएवर, ठीक है। अब 26 मार्च को आपने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा या अपने के बॉयफ्रेंड से पूछा या अपने हस्बैंड वाइफ से पूछा, जिस कोई भी हो सकता है, तो आपने पूछा अच्छा अगले संडे क्या कर रही हो, अगले संडे क्या कर रही हो, एक हफ्ता कितने दिन का होता है, क्या 7 दिन का होता है, जस्ट इमेजिन 26 को था मंडे, ठीक है, अब 5-6 दिन के बाद संडे आएगा, तो पूछा भाई अगले संडे क्या कर रही हो, अगले संडे, सोचो इस बात को, आज कौन सी है, 5 है, बात कब की थी, 26 की थी, 26 के बाद, अगर 26 को मंडे था तो ऑफकोर्स सेकेंड को आपको संडे पड़ेगा, तो अगले संडे क्या कर रही हो। अब आज जब तुम बात करोगे तो भाई वो जो दोनों इवेंट, तुम्हारा पूछना और अगला संडे, दोनों पास्ट में हो गए ना, हुए कि नहीं हुए, भाई इस नजरिए से समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम लोगों को, ये तुमको रीडिंग कॉम्प्रेंशन में बहुत ज्यादा मदद करने वाले, 10 नंबर का आता है रीडिंग कॉम्प्रेंशन, एंड दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ योर लर्निंग और वॉचिंग दीज वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस, just understand the context, how people talk, how they deliver the sentence, is that understood, this is how we learn, so I hope point B is clear now। चलिए अब आगे आते हैं और आपके सामने ये रहा थर्ड। सो जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बता दी थी बात कि वाइल स्टिल एट दैट मोमेंट देन मे हेल्प द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव एक्शन। So, जब भी बात आ जाती है इन चीजों की, वाइल स्टिल एट द मोमेंट, आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं किस चीज में, प्रोग्रेसिव एक्शन को देखने में। ये प्रेजेंट में बात करी थी और ये पास्ट में भी हो गई। भाई यहां तक बात समझ आ गई, यू हैव 30 सेकेंड, कमेंट करके बता दो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, 30 सेकेंड है आपके पास। कोई क्वेश्चन, चलिए आई होप क्लियर है, तो फिर हम आगे आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, अगर रुके हो तो पूरा ध्यान से देखते जाओ, क्लास बीच मत छोड़ा करो। अब हम बात करेंगे द पास्ट परफेक्ट टेंस, भाई साहब ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो देखिए, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट, इसको याद कर लीजिएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा हेड का यूज होता है, ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है, बीन वगैरह इसके साथ यूज नहीं होता। यहां तक क्लियर हो गया हो तो मैं आगे आ जाऊं। चलिए आई जाते हैं और ये रहा आपके सामने। सो ये कैसे यूज होता है, समझो यहां पे हमेशा दो इवेंट होते हैं, दो इवेंट कैसे, एक पास्ट होगा और एक पास्ट का भी पास्ट होगा, समझो एक पास्ट होगा और एक पास्ट का भी पास्ट होगा, कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझो, समझ जाओगे। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम,
ठीक है, आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे बात दो पास्ट की होती है। दो पास्ट कैसे होते हैं समझ जाओ। ऐसा मैं अपने पाप मैं ला पिछले हफ्ते दिल्ली गया था मेरे पिताजी के आने के पहले, इसका मीनिंग है। यहाँ दो एक्शन है ना, पहला एक्शन कौन सा है, दिल्ली जाना है ना, दूसरा एक्शन कौन सा है, पापा का आना। अच्छा जी, पहले कौन, पहले क्या हुआ, पहले आप दिल्ली गए फिर क्या हुआ, फिर पापा आए है ना। अभी के हिसाब से दोनों इवेंट पास्ट में हुए हैं, हुए ना। तो ऑफ कोर्स दो इवेंट हैं, पहला तुम दिल्ली गए उसके बाद पापा आए और अब तुम बात कर रहे हो। तो जो दो इवेंट पास्ट में हुए हैं इसमें से एक इवेंट ऑफ कोर्स पास्ट का पास्ट ही बना जी। तो याद रखिएगा जो पास्ट का पास्ट होता है वो आपका हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाता है। चलिए अब दूसरी डेफिनेशन बता देता हूँ। दिस टेंस इज यूज व्हेन आउट ऑफ टू एक्शन इट इज नेसेसरी टू एम्फसाइज दैट द प्रीसीडिंग एक्शन वाज कंप्लीटली फिनिश्ड। प्रीसीडिंग एक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्टेड। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप कोचिंग जाते हो तो पहले आप घर से निकलते हो, फिर कोचिंग की प्रमाइस से पहुंचते हो, फिर क्लास में पहुंचते हो। तो क्लास में पहुंचने के पहले आप बिल्डिंग पहुंचे और बिल्डिंग के पहले आप घर से निकले थे। तो भाई वो दो इवेंट, बिल्डिंग पहुंचना और घर से निकलना पास्ट ही है। एक बिल्डिंग पहुंचे, दूसरा बिल्डिंग के पहले घर से निकले तो इवेंट वो हुआ ना, तो यू हैड लेफ्ट योर हाउस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके साथ कभी ऐसा मत करिएगा आई ओके अब इसके साथ ये चीजें मत करिएगा आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक। आपको ये दोनों इवेंट रखने पड़ेंगे। अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या हो जाता है समझ लेते हैं। कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि तुम कहते हो सर आपने एक तो बात बोली कि पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा हो तो पास एंड डेफिनेट जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जब स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक ऐसा बोल देते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप बोल देते हैं। क्यों, मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड्स में समझाया था कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हो तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, कहीं ना कहीं बात सब पता होती है किस पर्सपेक्टिव पे, किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हो। बट व्हेन इट कम्स टू रिटन इंग्लिश ये चीज हमें नहीं पता होती है, तो हमें उसके लिए प्रॉपर वर्ड चाहिए ही होते हैं। इस वजह से लास्ट वीक यहाँ पे गलत है और यहाँ पे सही है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हो आप बिंदास होकर के लास्ट वीक यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिटेन इंग्लिश में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, कॉन्टेक्स्ट की बात है। ठीक है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पढ़ के नहीं आ सकती, आपको वर्ड चाहिए, तभी तो भाई नॉवेल इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, अदरवाइज क्यों होंगे, सोचो ना क्यों होंगे नॉवेल इतने मोटे मोटे। तो बात समझ गए, समझ गए तो चलो ठोको लाइक और आ जाओ मेरे साथ। पार्ट भी आपके सामने ये रहा, ये वर्ड्स भी मैंने आपको पहले से समझाए हुए हैं। सो समटाइम्स प्रीसीडिंग एक्शन इज इम्प्लाइड, ठीक है ना, तो पहला एक्शन लगा होता है एंड इज डेडिकेटेड बाय द यूज ऑफ एवर, और डेडिकेटेड होता है किससे, एवर के यूज से, रिसेंटली ऑलरेडी येट सो फार टिल टाइम बाय द टाइम बिफोर लेटर। ठीक है सर, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं जब आपका परफेक्ट पकड़ना हो, और ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी समझाए थे, याद अगर हो आपको, थोड़ा बहुत अगर पढ़ते हो नोट्स बनाते हो मेरे पढ़ाए हुए तो ये दिमाग में थोड़ा सा रखना है आपको। सो आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, तो मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, ओके, आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम। देखिए जी यहाँ पे भी बात आ गई, पहले क्या हुआ, पहले आपका किताब खत्म हो गई फिर वह आया। क्या काम पहले हुआ, पहले किताब खत्म हुई फिर कौन सा काम हुआ, फिर वह आया। बात समझ में आ गई ना, पहले किताब खत्म हुई फिर वह आया, तो इसी तरीके से हम परफेक्ट का यूज करते हैं। नाउ आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन। अच्छा जी समझिएगा, यहाँ पे तो मैंने दूसरा क्लॉज रखा नहीं, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपका ही केम रख दिया, यहाँ पे आप देख सेकेंड वाले सेंटेंस में देख सकते हो जब मैंने ही केम की बात कर दी, यहाँ पे तो ऐसा था नहीं। ये क्या कैसे हो गया सर जी, देखिए सपोज करो कोई एक इवेंट था, एक समवन सुसाइड, तो व्हाट हैपेंड, आप पहुंचे, पुलिस इंक्वायरी कर रही थी एंड पुलिस ने पूछ लिया कि वेयर यू वर, सो यू सेड आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, मैं बिल्कुल आया था कॉलेज से, मतलब कोई एक इवेंट था इसके बाद वाला जो हो चुका है। ठीक है ना, जो हो चुका है मैं मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन हम दोनों को पता है कौन सा इवेंट हो चुका है, सुसाइड वाला। ठीक है, बात समझ आ गई किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। तो सर जी इन वर्ड्स को याद रखिएगा, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फॉर, टिल, बाय द टाइम, ये सब के सब परफेक्ट के साथ यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट दोनों के साथ। आई होप समझ गए होगे चीजें, किस किस तरीके से कंफ्यूज करते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करी जाती है। चलो फिर आगे आ जाओ।
सी पार्ट आपके सामने ये रहा। सो इसमें क्या चीजें हैं देखते हैं। सो दिस टेंस इज ऑल्सो यूज एज टाइम एक्सप्रेशन विद सेंस फॉर हाउ लॉन्ग होल ऑल थ्रू आउट ऑल अलोंग। ओके सो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाते हैं। ऑफ कोर्स किसके लिए, आपका टाइम एक्सप्रेशन दिखाने के लिए। मैंने आपको एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पहले समझाया हुआ है, पिछला वीडियो जाके देख लेना। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन, टाइम वेस्ट होता है भाई। सो शी हैड नोन हिम फॉर 2 ईयर्स। याद आया जब मैंने बताया था आई नो हर फॉर 2 ईयर्स, गलत होगा, मैं बोल रहा था आई हैव नोन हर फॉर 2 ईयर्स। ओके सो इसी तरह से शी न्यू हिम चलता है, वह उसे जानती थी। बट जब टाइम एक्सप्रेशन पे बात आ जाती है, यू कांट से शी न्यू हिम फॉर 2 ईयर्स, यू वुड से शी हैड नोन हिम फॉर 2 ईयर्स। ओके आज समझे, ये एक्सप्लेन किया था आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी। फिर इसी तरह से ही हैड ओन्ड दिस प्लाजा फॉर 5 ईयर्स। ओके फॉर 5 ईयर्स लग गया। अगर अदरवाइज अगर यहाँ पे मैं फॉर 5 ईयर्स नहीं लगाता तो मैं बोलता ही ओन्ड दिस प्लाजा, ठीक है, वह उस प्लाजा को ओन करता था। बट जब टाइम की बात आ गई तो मैं उसके लिए ऑफ कोर्स परफेक्ट को यूज करूंगा और मैं हैड लगा दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है, तो चलो आगे आ जाते हैं। रिकॉल भी होता जा रहा होगा पिछला सब कुछ। डी पार्ट आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ और चीजें जो आपके सामने रहेंगी। एक्चुअली जो अब बताने वाला हूं, अक्सर ऐसे बातें होती नहीं है, ये यूज आपको बहुत कम मिलेंगे, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग नोटेड डाउन समवेयर। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड विद वर्ब सच एज वॉन्ट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ब के साथ यूज होता है। इंडिकेट दैट द एक्शन मेंशन डिड नॉट टेक प्लेस। तो जो एक्शन मेंशन हुआ है ये होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है, एक्शन होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। कैसे, आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद करना चाहता था। एक्चुअली हम ऐसा भी बोल सकते हैं आई वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, तो एक समवेयर वो एक पूरा पॉजिटिव ही रहेगा कि मैं अपने भाई की मदद करना चाहता था, सो आई डिड, समझे। सो आई डिड, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, मैंने बोला ना दो इवेंट की जब बात आ जाती है, क्या दो इवेंट की बात आ जाती है, कौन सा इवेंट पहले हुआ फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, मैं इसको ध्यान देना पड़ता है। जो इवेंट पहले हुआ होता है, मतलब पास्ट के भी पास्ट में हुआ होता है, उसे मैं हेड के साथ रखता हूँ। और ऑफ कोर्स ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी अभी। और उसके बाद वाला सीन आपको पता है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ आई हैड वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद करना चाहता था बट आई कुडंट, ठीक है, आपको नहीं बोला तो भी कोई बात नहीं, ऐसे यूज होता है ना। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था पास होने की लेकिन मैं नहीं हुआ। माई सिस्टर, मतलब ये थोड़ा मिलता जुलता है जैसा आपको पिछला समझाया था। माई सिस्टर हैड होप, मेरी सिस्टर ने होप किया था दैट आई वुड सेंड हर मनी। देखिए भैया यही वाली बात यहाँ पे आ गई, वुड वाला यूज मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैंने आपको वुड समझाया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई वुड सेंड हर मनी मतलब, लेकिन मैंने नहीं भेजे। विशाल हैड इंटेंडेड टू सेट अप हिज ओन बिजनेस, तो विशाल अपना बिजनेस खुद ही सेटअप करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। सर जी किसको किसको यहां तक सबको समझ में आ गया, और जस्ट रेज योर हैंड, अगर आ गया हो तो मैं चलो फिर आगे आ जाऊं। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट देख लिया, पास्ट परफेक्ट देख लिया, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपके सामने ये रहा। सो द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेस्पॉन्ड टू द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो बिल्कुल समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जैसा ही होता है, विद रेफरेंस टू अ टाइम अर्लियर देन बिफोर नाउ, ठीक है, ऑफ कोर्स पास्ट में वो बात हो रही होती है। एज विद द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस, तो हम इसमें प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, किसमें, प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। अभी ये क्या होता है, ये क्या बोला होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग बिफोर द टैक्सी अराइव, ठीक है, तो क्या हैड यू बीन वेटिंग, तो क्या आप टाइम का वेट कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे ऑफकोर्स एक बात किसकी आ गई, पीरियड ऑफ टाइम की ही तो बात हो गई, समझो पास्ट में इवेंट था, पास्ट में ही इवेंट था। जैसे आई हैड रिटन 17 बुक्स, ठीक है, तो मैंने बुक लिखी थी लेकिन वो बुक है नहीं, वैसा वाला केस है।
हैड यू बीन वेटिंग, अभी मैं बोल दूं हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग बिफोर द टैक्स ईयर आई, हैव यू बीन वेटिंग, समझो हैव यू बीन वेटिंग, तो जब ये वाली बात आ गई तो या तो एक्शन खत्म हो चुका है या बिल्कुल अभी भी चल रहा है, बट जब मैं हैड यूज करूँ तो ऑफकोर्स ये एक्शन खत्म हो ही चुका है और काफी पहले हो चुका है, ठीक है। याद रखिएगा अर्लियर लगा यहाँ पे विद रेफरेंस टू अर्लियर देन बिफोर नाउ। वी हैड बीन ट्राइंग, हम ट्राई कर रहे थे टू ओपन द डोर, डोर खोलने के लिए फॉर 5 मिनट। अगेन देखिए आपका आपका क्या आ गया, क्या आ गया, ध्यान से अगर पढ़ लोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम या टाइम ड्यूरेशन की बात पूरी पूरी आ गई, व्हेन जेन फाउंड, ठीक है, बात समझ आ गई, सिंपल सा है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ आ गया है तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो भाई चलो आगे आ जाओ और कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये रही, ये कैसे फॉर्म होता है इसको भी देखते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, तो देखिएगा आई हैड बीन वॉकिंग, ठीक है ना, मैं वॉक करता रहा हूं, स्पोकन में आराम से चलाओ, टाइम लगाना है तो फिर आपको टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा। शी हैड बीन ट्राइंग, ठीक है, तो आराम से ये आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। देन निगेटिव की बात करूंगा तो हैडन्ट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन भी चल जाएगा, और आराम से यूज करिए। इंटेरोगेटिव पे बात कर लूं तो हैड यू बीन ईटिंग हो जाएगा, एंड इंटेरोगेटिव निगेटिव की बात कर लूं तो हैडन्ट दे बीन, हैड के बाद नॉट, ठीक है ना, हैड नॉट, फिर आपका सब्जेक्टिव केस आएगा, देन आप बीन लगाइए एंड वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाइए। ओके तो सर इसी के साथ हमारा भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हो चुका है और पास्ट भी पूरा खत्म हो चुका है। अब हम फ्यूचर में बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। सो सर यहाँ पे ध्यान देना है विल और शैल को, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये इसका एक इक्वेशन होती है। ऑफ कोर्स एक जो ओल्ड इंग्लिश हमारी पूरी चल रही होती है उसमें हम आई और वी के साथ शैल को यूज करते हैं और बाकी के साथ हम विल को यूज करते हैं, ठीक है, आई और वी के साथ शैल को यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल को यूज करते हैं। प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है कि हम विल का यूज सबके साथ कर लेते हैं, आई वी यू दे और नाम श्याम घनश्याम सबके साथ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा आप गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप विल को आराम से यूज करिए, बिंदास होकर के यूज करिए, आपको जिसके भी साथ यूज करना है, आई हो वी हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश लाइक सपोज यू आर एन ऑफिसर तो ऑफ कोर्स यू शुड यूज शैल, ठीक है, तो फॉर्मल राइटिंग पे या फिर जब बात स्पीचेस वगैरह की आ जाती है ना, देन हम सिर्फ शैल को ही यूज करते हैं। बात समझ आ गई, तो ये छोटी सी बातें हैं, इनको दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है जिनकी थोड़ी इंग्लिश वीक होती है। अब देखो यार फ्यूचर इतना टफ होता नहीं है, सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दैट मच, इसको जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि अब हमें कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं एंड बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बस एक बात याद दिला देता हूँ, अगर आपने टेंस बहुत अच्छे से सीख लिया, इसके बाद आपने कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से सीख लिए, आप फिर वर्ब देखना कितने मजे से सीखोगे, बहुत मजे आने वाले आपको वर्ब सीखने में। आगे आते हैं, सो ए पार्ट है आपका, तो ये कैसे यूज होता है, सब कुछ जो सीखा है अभी तक वो सब यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो घबराना नहीं है, जल्दी से मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, इसमें इतनी कोई कॉन्सेप्ट होती नहीं और ना यहाँ से कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है। दिस टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, ये एक ऐसे एक्शन के लिए लगता है जो फ्यूचर में होना होता है, इसके लिए हम ऐसे एडवर्ब को यूज करते हैं, सून, शॉर्टली, इन अ फ्यू मोमेंट, टुमारो, प्रेजेंटली, नेक्स्ट ईयर, मंथ, वीक। इफ यू रिमेम्बर तो अभी जैसे मैंने पहला वाला जो वीडियो चलाया था, तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया था प्रेजेंट परस्पेक्टिव पे किस तरीके से फ्यूचर के लिए बात करी जाती है, ठीक है, लाइक आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, ऐसे सेंटेंसेस याद हो, सो दे विल कम हियर शॉर्टली, आप शॉर्टली को भी हटा दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कह सकते हो दे विल कम हियर, वह यहाँ आएंगे, आप शॉर्टली लगा देते हो तो इसका मतलब है कि वह यहाँ जल्दी ही आएंगे, ठीक है, ओके। रितेश विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे दो तीन चीजें बताऊंगा दिमाग में रख लेना, रितेश के साथ आप विल को यूज करिए, ऑफकोर्स सिंगुलर है, टेक एग्जाम मैंने लगाया है, सर जी एग्जाम हम टेक लगाते हैं, जब मैं जैसे मान लो कि अगर मैं कल SSC देने जाऊंगा तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा आई एम गोना गिव SSC, मैं बोलूंगा आई एम गोना टेक SSC, मैं एग्जाम लेने जाऊंगा। एक्चुअली इंग्लिश में ऐसा माना जाता है कि आप अपना एग्जाम खुद लेते हो, एग्जामिनर नहीं लेता, ठीक है, तो हम खुद लेते हैं, तो ये ऐसा ध्यान रखना, टेक लगता है, लोग गिव लगाते हैं वो गलत होता है। और ऑफकोर्स आप नेक्स्ट मंथ लगा सकते हैं, आपको नहीं लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल से अपने आप समझ में आ जाता है कि मैं बात किस पर्सपेक्टिव पे कर रहा हूँ, सीधी सी बात है मैं बात कर रहा हूँ आपके
फ्यूचर पे, ठीक है। चलिए अब कुछ चीजें और नोट है, इस नोट को थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रेजेंटली का मीन सून होता है और एट प्रेजेंट होता है, ये मैं आपको पहले भी 2 बार समझा चुका हूं। अब हम आगे आते हैं, देयर आर सेवरल वेज, अब इनको समझते हैं। ये वाला पार्ट मैंने आपको प्रेजेंट में समझाया था, अब ये ऑफ कोर्स रिपीट कर रहा है, मेरी मजबूरी भी ये समझाना बिकॉज कॉन्सेप्ट्स हैं, जरूरी है। सो फ्यूचर एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बट इट इज मोर डेफिनेट एक्शन देन द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन फ्यूचर। इफ यू रिमेंबर आई वॉज डिस्कसिंग फ्यू सेंटेंसेस विद यू, दे आर कमिंग टुमारो, ओके। सो दे आर कमिंग इज राइट इफ यू डू नॉट यूज टुमारो ऑफकोर्स, बट वेन यू आर यूजिंग टुमारो इट मीन्स ऑफकोर्स दे आर, वो कल आ रहे हैं आपके, दे आर कमिंग इन कमिंग डेज और मे बी आफ्टर वन डे, तो इसका मतलब सर्टेन है, ठीक है। अगर तुम बोलते हो दे विल कम टुमारो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है, बट ये मोर सर्टेन है, मतलब आप श्योर ही हो। अच्छा बोल रहे हैं तो यार आंटी कब आ रही है, मम्मी बुआ कब आ रही है, बुआ तो 4 तारीख को आ रही है, सर्टेन है मतलब उनका रिजर्वेशन हो चुका है। अच्छा बुआ अगले हफ्ते आएंगी, अभी क्या सर्टेन है, अगले हफ्ते तो भाई कोई भी दिन हो सकता है, समझिएगा, ठीक है। कहने का तरीका है आप बिंदास होकर ये भी बोल सकते हो दे विल कम टुमारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास होकर यूज करिए। हर चीज हमेशा गलत सही नहीं होती, ऐसे भी होता है। नाउ शी इज मैरिंग सून, सर्टेन टू मैरी, ठीक है ना, वह जल्दी ही शादी करने वाली है, आपको शी विल मैरी सून, वह जल्दी शादी कर लेगी, आराम से यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको दोनों नजरिए बता दिए, दोनों के दोनों सही है। चलिए आगे आते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट भी आपके सामने ये रहा, सो फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, देखिए जी, वर्ब सब्जेक्ट विल शैल ऑफ कोर्स, देन शैल विल उसके ज्यादा बी को यूज कर लीजिए, ठीक है, बी वर्ब आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, देन विल यूज कर दिया, विल के बाद मैंने बी यूज कर लिया, फिर आपके बाद वर्ब आई एन जी फॉर्म यूज कर दिया, देन सून को यूज कर लिया, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट पूरा। तो सुशांत विल बी अराइविंग सून, तो ऑफकोर्स ही विल अराइव। आई शैल बी गोइंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूंगा, तो आई शैल गो, मैं कल जाऊंगा, दोनों बातें हैं, आप ऐसे बोल दीजिए आई शैल गो टुमारो, ठीक है, आई शैल बी गोइंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूंगा। आई शैल बी गोइंग टुमारो जब तुमने बोला तो समझ में आ रहा होगा कि भाई कल जब तुम मुझे कॉल करोगे, कल मिलने की कोशिश करोगे तो मैं जा रहा हूंगा, या जिस समय हम मिलते हैं इस समय मैं ट्रेन से जा रहा हूंगा, ये ऐसा मीनिंग आता है, बात समझे। चलिए अब इसका कुछ और भी तरीके हैं, इनको भी समझ लेते हैं। फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, ये मैंने आपको समझाया था नरेंद्र मोदी जी वाला एग्जाम्पल देकर के। सो माई आंट अराइव फ्रॉम द यूएसए नेक्स्ट मंथ, तो मेरी आंटी नेक्स्ट मंथ आएंगी, ये एक्चुअली जो ऐसे सेंटेंसेस जो जनरली यूज नहीं होते बट हाँ नॉवेल वगैरह में यूज होते हैं, बट आपको न्यूज पेपर में बहुत ज्यादा मिलेंगे, दीज आर नॉट मोस्ट रिपीटेटिव, रेयरली वी यूज सेंटेंसेस लाइक दिस, तो इस पे प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगज़ीन्स में मिल जाएगा। जनरल कम्युनिकेशन में ऐसे हम बात कभी नहीं करते, हम सिंपली बोलेंगे माय आंट विल अराइव फ्रॉम द यूएसए नेक्स्ट मंथ, ओके, द प्रेसिडेंट विल लीव फॉर लखनऊ टुमारो, बट अभी जब हेडलाइंस वगैरह बननी होती हैं तो हम प्रेसिडेंट लीव फॉर लखनऊ टुमारो ऐसी ही लाइन चलती है, आप हेडलाइंस वगैरह पे भी देख सकते हो तो आपको ये यूजेस दिखेंगे। अब हम बात करेंगे द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके सामने ये रहा, ये ठीक है, अब ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी इसको बोला जाता है, इसके साथ मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, सब्जेक्ट होगा शैल विल होगा प्लस बी होगा प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात आती ना तो यहाँ पे हिंदी में बात होती थी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ऑफकोर्स सम एक्सटेंट दिस इज राइट और ऐसे ये काम भी करता है, फॉर्मेट ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। सो अब ये कैसे काम करता है फ्यूचर के लिए, मतलब एक ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा, हो रहा होगा, अभी नहीं, फ्यूचर में हो रहा होगा, अभी से उसका मतलब नहीं है। सो दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात फिर से आ गई, ऑफकोर्स फ्यूचर का कोई टाइम डिसाइडेड होगा उस पर बात हो रही होगी, तो शी विल बी वेटिंग, वह इंतजार कर रही होगी फॉर मी, मेरे लिए, व्हेन आई रीच हर होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, याद रखिएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे आपका व्हेन लगा करके एक बात करी है,
तो जब दूसरा वाला पार्ट आ गया है तो इस वाले पार्ट को आप ध्यान दो। तो इस वाले पार्ट को मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा है एंड ये वाला पार्ट आपका फ्यूचर में चल रहा है। तो फ्यूचर का ऐसे यूज किया जाता है, बट जब मैं कंडीशनल सेंटेंस में आऊंगा तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। कंडीशनल सेंटेंस में याद रखिएगा कि एक पार्ट आपका अगर फ्यूचर में तो दूसरा इंडेफिनिट में होगा, पास्ट में भी उसका कुछ यूज होता है जब वो परफेक्ट में होगा, और सेकेंड पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। उसके अलावा व्हाट विल ही बी डूइंग व्हेन यू विजिट हिम, वह क्या कर रहा होगा जब तुम वहां विजिट करोगे। ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसा इसको बोल सकते हैं कि व्हाट ही विल बी डूइंग व्हेन यू विल विजिट हिम, ये गलत होता है। दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते हैं, याद रखना इस बात को। कभी भी आप दो फ्यूचर को एक साथ मत रखिएगा। नाउ गेट होम एट वंस, एक बार घर आओ। योर मदर विल बी वॉन्डरिंग वेयर यू आर, तुम्हारी मदर ढूंढ रही होगी तुम कहाँ हो। देखिए मैंने एक बार बात कर दी आपकी विल बी लगा करके, उसके बाद मैं बात नहीं कर रहा, तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। अक्सर गलतियां करते हैं लोग, लोगों के नंबर इसी में जाते हैं। फिर चलिए हम इसके बी पार्ट में आते हैं एंड ये क्या है इसको भी डिस्कस कर लें। सो दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस और डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट। तो ये क्या होता है, सो ही विल बी गोइंग टू पुणे बाई कार टूडे, वह कार से पुणे जा रहा होगा। तो मैंने बात कर दी ना, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर के इंडेफिनेट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए काम किया जाता है, और ये सर्टेन होता है। ठीक है, सर्टेनिटी के लिए समझ लो कि बात करी जाती है, मतलब निश्चितता दिखाई जाती है यहाँ पे। ही विल बी गोइंग टू पुणे, वह पुणे जा रहा होगा बाई कार टूडे, तो वह आज पुणे जा रहा होगा। सपोज कल आप दो दोस्त मिले हो, आप बात कर रहे हो आपस में, तो यार वो अमित कहाँ है, अमित यार पुणे जा रहा होगा अभी, कार में होगा, वह ट्रेन से दिल्ली जा रहा होगा, ऐसे हम बात करते हैं ना हिंदी में, तो ये वैसा ही मीनिंग देता है। सी आप ना यही किया करो, जब आप डिस्कस करते हो कुछ चीजों को तो उसको अपने ऊपर अजमा लिया करो, सबसे अच्छा तरीका होता है। नाउ शी विल बी अराइविंग टुमारो, वह कल आ रही होगी टू मीट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ठीक है, तो शी विल बी अराइविंग टुमारो, वह कल आ रही होगी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। वही वाली बात जो ऊपर समझाई थी उसी तरीके से अपने को रख लो। चलिए बिल्कुल खत्म होने वाला है, बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर ये प्रिसीडिंग दिखाता है। इसका एक क्वेश्चन है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, विल शैल के साथ, विल शैल को कैसे यूज किया जाता है मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसके यूजर्स देखते हैं, सिर्फ दो स्लाइड बची है, सिर्फ 5 मिनट की बात है, बाकी आपका आज का वीडियो हो जाएगा। तो सर जी छोटी सी बात, ये जो सेंटेंस है इसमें आपका जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो निकलता है हो चुका होगा, क्या हो चुका होगा, ऐसा वाला मीनिंग होता है। सो दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस व्हेन आउट ऑफ टू एक्शन, दो एक्शन में से इट इज नेसेसरी टू एम्फसाइज दैट, जरूरी होता है एम्फसाइज करना दैट द प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड। प्रीसीडिंग एक्शन मतलब पिछला एक्शन पूरी तरीके से हो चुका हो बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन, उसके आगे वाले एक्शन के पहले। ठीक है, अब इसके लिए देखिए मैंने आपको परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों में ये वर्ड्स आपको दिए हैं, तो अब तक समझ चुके होंगे। मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है बार बार एक ही वर्ड को समझाना, और इतना समझ में आ चुका होगा जो मैंने स्टार्टिंग आपका एक एक लेवल से बढ़ते चले गए थे ना, तो तुम्हें उन सबके यूजेस दिख रहे होंगे प्रेजेंट में, जब मैंने बात करी थी पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम एक्सप्रेशन एंड ऑल। देखिए अब यहाँ पे, शी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीज होम। देखिए ऑलरेडी वाला समझाया था मैंने आपको, पास्ट में भी समझाया था, प्रेजेंट में भी समझाया था। तो वह अपना खाना खत्म कर चुकी होगी या खाना बना चुकी होगी, प्रिपेयर्ड व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। दो भाई हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है भाई, जब मैं घर पहुंचूंगा ना खाना बना चुकी होगी, तो दो फ्यूचर को एक साथ मत रखना। ही विल हैव रंग अप हिज वाइफ, अपनी वाइफ को कॉल कर चुका होगा बिफोर ही अराइव, अपना पहुंचने से पहले, उसके पहुंचने से पहले ना। ठीक है ना, उसके पहुंचने से पहले वाला केस समझ आया ना। आई थिंक, मुझे लगता है द न्यूज विल नॉट हैव बीन पब्लिश सो फार, न्यूज अभी तक पब्लिश नहीं हो चुकी होगी। ठीक है ना, अभी तक पब्लिश हो नहीं चुकी होगी, यहां तक समझ आ गया। चलिए लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं बी को। सो अब ये कहाँ पे और यूज होता है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वगैरह आपको एग्जांपल्स में दिख रहे होंगे, नेक्स्ट मंथ, सिंस अ बर्थ। सो दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन। तो टाइम एक्सप्रेशन में आपको समझाया था ना, लाइक संडे, समर, विंटर वगैरह, याद होगा दूसरी तीसरी स्लाइड थी ये स्टार्टिंग में ही जब कल बात कर रहे थे। सो दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, थ्रू आउट, ऑल अलॉन्ग, डिनोट, ये सब डिनोट करते हैं दैट एक्शन स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट। तो एक्शन स्टार्ट हुआ है पास्ट में कभी, ठीक है, एंड इज कंटिन्यूइंग इन टू द प्रेजेंट, और ये
कॉन्टिन्यू है प्रेजेंट में भी। तो बात समझ आ गई, इस तरीके से भी इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी विल हैव नोन हर, वह उसे जान चुका होगा फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से उसे 2 साल से जान चुका होगा। जैसे कि यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आप जानते हो 2017 से, आज क्या चल रहा है, 2019 चल रहा है। अब मान लो कि मई हो गया ये आपका आगे वाले पॉइंट पे, या फिर आगे आपका उसके आगे जून, ठीक है ना, मई हो गया और जून हो गया, तो सीधी सी बात है कि जब जून आएगा तो आप 2 महीने से जान चुके होगे। तो 2017 से मई और जून ये जो पॉइंट हुआ, तो अगले महीने आप जान चुके होगे, ऐसा वाला कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। She will have suffered a lot by since her birth. तो वह अपने बचपन से, पैदा होने से बहुत कुछ झेल चुका होगा। जैसे हम देखते नहीं किसी को, तो हमारे दिमाग में आता है यार ये तो बहुत कुछ झेल चुका होगा अभी तक, शरीर देखो इसका, डार्क स्पॉट देखो इसके, चेहरे पे स्ट्रेस देखो इसके, तो इस तरीके से बात करते हैं कॉन्टेक्चुअली। सो सर आज सेंटेंस हमारे हो गए, टेंसेस पूरे हो गए, हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को डिस्कस कर लिया, परफेक्ट डिस्कस कर लिया, कंटीन्यूअस डिस्कस कर लिया, इंडेफिनिट भी डिस्कस कर लिया। कल हम कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, कल का सेशन मिस मत करना, बिकॉज जो आज तक पढ़ा है यही कल अप्लाई होगा, वहां पे सब कुछ आपको दिख जाएगा अभी तक जितना भी सीखे हो, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूंगा कि अगर लास्ट तक जुड़े हो तो ऑफकोर्स आपने वीडियो को पूरा देखा ही होगा, तो लाइक जरूर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल, टिल देन गुड नाइट।